हेलो फ्रेंड्स, तो आज है मेरी सन का बर्थडे। तो आज मैं जो भी कुकिंग करूँगी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है बाटी का आटा, ये है मटर, ये है पनीर और कुछ सब्जियाँ। ये सब अभी इन्होंने मुझे ला कर दिया है, तो मैं ये सब टीम टाम लेकर बैठ गई हूँ यहाँ पर। सब शुरुआत में लहसुन प्याज से कर रही हूँ। ये देखिए अभी लाइट चली गई है, तो मैं इधर हॉल में आकर बैठ गई हूँ सारा सामान लेकर। और मैं अपने सन से कह रही हूँ कि भाई तो थोड़ी हेल्प करा दे। तो उसने ये मटर मुझे छिल कर दिए हैं और मैंने ये लहसुन छील ली है, प्याज भी छिल कर दिए हैं। और अभी मैं बनाऊंगी मटर पनीर। मैंने जार में डाली है हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, इन सबको मैंने पीस लिया है। और अब दोबारा से मैं पीस रही हूँ टमाटर और धनिया। और इधर हम पनीर को भी कट कर लेते हैं। और पनीर को कट करने के बाद हम उसे हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। तो तेल हमारा गर्म ही है, ग्राइंड किया हुआ मसाला तेल में डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए चलाएंगे। उसके बाद हम टमाटर की प्यूरी भी डाल देंगे। और मसाले को थोड़ा पकाना है तब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे। तो देखिए हमारा मसाला पक चुका है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम बाकी के सारे मसाले भी डाल देंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 2 से 2.5 चम्मच, और ये दूसरी मिर्च मैं डाल रही हूँ कलर के लिए 1/2 चम्मच के लगभग। उसके बाद हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच से थोड़ी कम। उसके बाद हम डालेंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। ये देखिए मैं गरम मसाला डाल रही थी तब तक लाइट चली गई, तो मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है 1/2 चम्मच से थोड़ा कम। अब हम मसाले को पकने देंगे जब तक कि वो तेल ना छोड़ने लगे। तो ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी 2 छोटे कटे हुए आलू जो मैं टेस्ट के लिए डाल रही हूँ। तो आलू को भी 2 मिनट के लिए चलाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे मटर। तो हम मटर को भी 2 से 3 मिनट के लिए चलाएंगे और उसके बाद हम पनीर भी डाल देंगे। तो पनीर को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए चलाएंगे और उसके बाद हम डाल देंगे थोड़ा पानी। तो ये सब्जी में पानी डाला है, पनीर पानी सोख लेगा।
तो सब्ज़ी में एक उबाल आने के बाद हम गैस को स्लो कर देंगे। उसके बाद हम सब्ज़ी को 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे और फिर हम गैस बंद कर देंगे। और अब लगाना है मुझे पूरी के लिए आटा, तो मैं आटा लगा रही हूँ। तो देखिए हमारी सब्ज़ी भी रेडी है। अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और अब मैं बना रही हूँ गरम गरम पूरियाँ। और आधा सुबह का काम निपटा ही था कि मैं दोबारा से खाने के काम में लग गई। और इसके बाद भी मुझे भी बनानी है बाटी। तो ये है पनीर की सब्ज़ी, पापड़, सैलड और आलू मेथी की सब्ज़ी। उसके बाद मैंने रखे हैं लड्डू जो मैंने दिवाली पर बनाए थे। ये हमारा बर्थडे का यमी यमी खाना। और मेथी की सब्ज़ी जो मैंने सुबह बनाई थी उसकी रेसिपी मैंने शूट नहीं की थी। और अब मैं बना रही हूँ शाम की चाय। तो यहाँ मेरी चाय रखी है और मैं फिर से लग गई हूँ काम पर। बनाना है मुझे बाटी। जो आटा मैंने बड़ी सी थाली में लिया है इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और उसके बाद फिर हम बाटी का आटा लगा लेंगे। तो बाटी का जो आटा लगाया जाता है उसे बहुत टाइट गूंदा जाता है। और अब हम बनाएंगे इस आटे की बाटियाँ। और अब मुझसे काम बन नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से मैं बाटी बना रही हूँ। पर काम तो करना है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो अभी मेरी इतनी बाटियाँ बन चुकी हैं, मैं ओवन पर डाल दूँगी। और बाटी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए मुझे दो दो ओवन चढ़ाने पड़े। तो देखिए हमारी बाटियाँ सिक चुकी हैं, कुछ सीख रही हैं।
तो ये देखिए मेरी इतनी बाटी बन चुकी है और बाकी की मैं सेक रही हूँ। और ये है मेरे बेटे के बर्थडे का केक। और ये देखिए मेरा खाना बन चुका है, बचा है किचन। किचन का हाल तो आप देख ही रहे हैं, हर जगह फैलाव है। जब हम इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं तो किचन में बहुत फैलाव हो जाता है। तो सबसे पहले मैं संतूर की झाड़ू लगा दूँ, उसके बाद बर्तन साफ़ करना है। तो ये देखिए मैंने सारे बर्तन साफ कर लिए हैं, बचा है एंड में किचन। तो ये देखिए मैंने किचन भी साफ कर दिया है, सब्जियाँ भी धो कर रख दी है और बच चुके हैं रात के 12:15। तो जितना मुझसे शूट हो सकता था मैंने शूट किया है और आज मैंने नॉन स्टॉप काम किया है। 2 घड़ी बैठने की मुझे फुर्सत नहीं मिली है और आज मैंने 3 बार खाना बनाया है। तो अब तो गुड नाइट बोलने की भी हिम्मत नहीं बची है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।